करते हैं। आदरणीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य आकर्षक इस विद्यालय के नन्हे नन्हे छात्र और छात्रा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के लिए उत्सुक हैं, उनको आप वृद्ध हस्त रखते हुए उनको आशीर्वचन देंगे। आदरणीय चेयरमैन साहब मुख्य अतिथि, एक आवश्यक काम की वजह से मैं ज्यादा समय यहाँ आपके बीच नहीं रुक पाऊंगा। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये जो मैं अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूं, ये विद्यालय के शिक्षकों और छात्र और अभिभावक मैं तीनों को समर्पित करते हुए एक छोटा सा दृष्टांत आपके समक्ष रख रहा हूं। एक गांव में एक कुम्हार था। आप सभी जानते हो कुम्हारों का काम मिट्टी के बर्तन बनाना होता है। वो अपने दिनचर्या का काम, प्रतिदिन का जो रूटीन का काम है, उसने शुरू किया। सबसे पहले कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करता है। उस मिट्टी को पानी में भगोया और उसको इस लायक बनाया कि अब उससे बर्तन बन सकते हैं। उस मिट्टी को गूंथकर उसने अपने चाक पर, जो कि उनका एक यंत्र होता है जिस पर वो बर्तन बनाते हैं, उस चाक पर वो मिट्टी रखी और कुमार के मन में आया कि आज मुझे पानी के छोटे छोटे गड्ढे बनाने हैं। अपनी भाषा में कहते हैं जैसे मटकी। तो उसने शाम तक वो पानी के पात्र बनाए, मटकी कह सकते हैं, सुराई कह सकते हैं। अचानक शाम के समय उसका मन बदला और शेष जो मिट्टी बची हुई थी उसकी उसने चिलम बनाई, हुक्के पे रखने की होती है ना चिलम, वो बना दी। लेकिन कुमार का ये छोटा सा मन परिवर्तन उन मिट्टी के पात्रों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन बन गया। आगे चल के वो सभी पात्र पकाए गए, गड़े भी पके और वो चिलम भी पकी। कालांतर उनका उपयोग हुआ, घड़ों में पानी भरा गया और उस पानी को जिसने भी पिया वो शांत हुआ, तृप्त हुआ और घड़ा भी शीतल हुआ। दूसरी तरफ जो वो चिलम थी उनमें आग धरी गई, आंच धरते हैं नहीं, हुक्का में आंच रखते हैं, तो वो भी आजीवन जब तक उसका जीवन था वो उस अग्नि से तपती रही और जिसने भी उसका उपयोग किया उसके लिए भी वो कष्टदायी रही, उसको भी उन्होंने एक तरह से जलाया। तो मेरा तो आज के इस शुभ अवसर के माध्यम से सभी शिक्षाविदों से कहना है कि आप अपने कौशल से ये जो मिट्टी के कच्चे बर्तन हैं, जो ये कच्ची मिट्टी है, इनका निर्माण सुराइयों के लिए करें, शीतल पात्रों के लिए करें और इनको चिलम बनने से बचाएं, जिससे कि ये आने वाले भविष्य में इनका भी जीवन सुखद रहे और जहां भी ये रहें, जिनके भी संसर्ग में रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, उस क्षेत्र को भी शीतल और उपयोगी बनाएं। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, मान सम्मान किया, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा माननीय चेयरमैन साहब। गागर में सागर भरते हुए उदाहरण दिया है मंच के सामने। आशीर्वाद है। मेरा परिचय बस इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, सूरज का अग्नि दरिया, गंगा का निर्वर नीर हूँ, सास हिमालय से ऊंचा, शक्ति सागर अपार है, मेरी रक्त सिराओं में बहती शौर्य की धार है, भारत भूखे पराक्रमों का गीत गगन भी गाता है, ऋषि अगस्त अपने तप से सागर भी पी जाता है, धरती की क्या बात करे, हमने तो समुद्र मथ दिया, शिव कंठों ने विष धारण कर मानवता का पथ दिया,
सागर की छाती पर जिसने पत्थर भी तैरा दिया, पास अंगुर रागव ध्वल ने धर्म ध्वज लहरा दिया, सिंधु भी बाहर आया भैसे वो राम काग्नि तीर हूँ, मेरा परिचय बस इतना है मैं भारत की तस्वीर हूँ, धर्म दर्शन विज्ञान कला संगीत साय खगोल में मुझसे पूर्व इतिहास कहाँ है, इस सारे भूगोल में विवश लड़े हम धर्म युद्ध, फिर भी युद्धों में धर्म रहा, योगेश्वर के उपदेशों में भाग्य विधाता कर्म रहा, सौ अपमान सहलेंगे इतना धीरज धर्म हमारा, मानवता के हम पुजारी क्षमादान भी धर्म हमारा, पर सौ की सीमा लांगी तो फिर रणभेरी रण बोलेगी, फिर चलेगा चक्र सुदर्शन धरती डगमग डोलेगी, बंसी की भाषा ना समझी तो पांच जन फूकेंगे, धर्मराज का धर्म टिंगा तो गांडी पार्ट के गूंजेंगे, चक्र भी हूँ मैं निडल लड़ू वो मनु वीर हूँ, मेरा परिचय बस इतना है मैं भारत की तस्वीर हूँ, जय हिंद जय भारत।